तुम भगवान हो? कौन हो तुम? द्वापर युग से दशावतार की प्रतीक्षा कर द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थम। की टीम ने ये जो छोटा सा अश्वत्थामा का ऑफिशियल ग्लिम्स शेयर किया है, इससे इजीली पता चल रहा है कि इंडियन सिनेमा काफी तगड़े लेवल पे ब्लास्ट होने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉर्स के दौड़। हाँ तो गाइस, जितने भी कल की 2898 एडी के फैन है और अगर आप अमिताभ बच्चन यानी कि एज अश्वत्थामा के ऑफिशियल ग्लिम्स का वेट करें ना, तो फाइनली मूवी की टीम डायरेक्टर नाग अश्विन सर ने ऑफिशियली लेवल पे ये रिवील कर दिया है। और ये ग्लिम्स को आप भाई छोटे मोटे लेवल पे मत समझिएगा, इसका ड्यूरेशन जस्ट इतना था, लेकिन यहाँ पर जो मतलब कि होता है ना कि मतलब कि जानने की इच्छा इतनी सारी थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। लेकिन जितने भी प्रभास अन्ना सर के फैन है मोस्टली वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे और काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी होने वाली है उनके अंदर कि यार ये क्या होने वाला है, ये किस टाइप का सीन होने वाला है, ये कौन सा सीन में देखने को मिलेगा कल की 2898 एडी के अंदर। और गाइस जब मैंने ये ऑफिशियल ग्लिम्स देखा ना, तो एक्चुअल में मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो पाया, मेरा एक कंफ्यूजन ही क्लियर नहीं हो पाया कि इसका ऑफिशियल ड्यूरेशन क्या है। और स्टार स्पोर्ट्स के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इसे आना था, लेकिन वहां पर रिवील नहीं किया गया, मोस्टली अभी तक कर दिया होगा। लेकिन गाइस इसका जो ऑफिशियल ड्यूरेशन है वो 20 सेकंड के अराउंड है। तो गाइस सच में 20 सेकंड के अराउंड है या फिर इसका ड्यूरेशन और भी ज्यादा था, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हाँ तो गाइस अगर आप ये ऑफिशियल ग्लिम्स देखेंगे ना, तो जहां पर स्टार्टिंग अपने अमिताभ बच्चन यानी कि अश्वत्थामा के साथ होती है, जहां पर एक बच्चा बोलता हुआ नजर आता है, भगवान है आप कभी मर नहीं सकते। और इस कैरेक्टर को देख के मुझे ऐसा लग रहा है ये कैरेक्टर कहीं भारवा तो नहीं है, जो कि अपने कल की 2898 एडी के लीड एक्टर प्रभास अन्ना सर तो नहीं है। वहीं पर उसके बाद भाई सब दो तीन चीजें बताई जाती हैं, दो कैरेक्टर बताए जाते हैं जो कि इजीली देखने को मिलता है, लेकिन वहां पर अमिताभ बच्चन सर बोलते हुए नजर आते हैं, द्वापर युग से दशावतार की प्रतीक्षा कर रहा हूं, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। तो गाइस ये छोटा सा जो ग्लिम्स आया है सच में गाइस काफी बड़ा तबाही लाने वाला है इंडियन सिनेमा में, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर जो आप लोगों को बीजीएम सुनने को मिलेगा और जो वहां पर आपको जो एक अलग ही लेवल का एक होता है ना कि यार मैंने जब देखा ना, तो मैं काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया और मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि यार मूवी की टीम कोई छोटा मोटा कांड नहीं करने वाली। और मोस्टली जिन लोगों का डाउट है कल की मूवी के टीम के लिए, डायरेक्टर नाग अश्विन सर के लिए कि ये मूवी फ्लॉप होने वाली है, तो अभी आप रुके, रुको जरा, मूवी की टीम का थोड़ा सा सब्र रखो, क्योंकि मूवी की टीम ने काउंटडाउन लगा दिया है और नर्मदा के घाट पे भाई सब ऑफिशियल फर्स्ट टाइम इसका जो ग्लिम्स था वो रिलीज किया गया था, जहां पर अमिताभ बच्चन सर देखने को मिल रहे थे। और गाइस अब इस ग्लिम्स के बारे में मैं क्या कहूं, क्योंकि इस ग्लिम्स का हर कोई वेट कर रहा है, जितने भी प्रभास अन्ना सर के फैंस है, कल की 2898 एडी के फैन है। जस्ट गाइस ये तो अश्वत्थामा का ऑफिशियल ग्लिम्स था, जब प्रभास अन्ना सर का आएगा, फिर कमल हसन सर का आएगा, विजय देवरकोंडा आएगा, एसएस राजामौली सर का आएगा, जूनियर एनटीआर सर का आएगा, मतलब कि कितनी सारी कास्ट है वो भी अपने को कल की 2898 एडी में देखने को मिलेगी। बाकी एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है, हाइप और रश और ट्रैफिक उससे भी ज्यादा बढ़ने वाला है। वैसे गाइस आप लोग हमें बताएं इंडियाज मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी कल की 2898 एडी के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड और आपके क्या ओपिनियन है अश्वत्थामा के ऑफिशियल ग्लिम्स के बारे में, यानी कि अमिताभ बच्चन सर के स्पेशल ग्लिम्स के बारे में। क्या लगता है अमिताभ बच्चन सर के बारे में अश्वत्थामा के कैरेक्टर में दिखाई देने वाले ये ग्लिम्स आप लोगों को देखने में कैसा लगा, अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपको भी इंस्पायर और मोटिवेट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।